अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ उस्मान अबिद एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डन अप टिल सेक्शन 18। टुडे वी विल डू सेक्शन 19। सेक्शन 19 इज़ ऑल अबाउट द कंपनसेशन, जो कि डिफरेंट सूरतों में कोर्ट अवार्ड कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केसेस में। सो लेट्स सी व्हाट सेक्शन 19 स्टेट्स। हेडिंग है पावर टू अवार्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। फर्स्ट पैराग्राफ, एनी पर्सन सुइंग फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मे ऑल्सो आस्क फॉर द कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच, ईदर इन एडिशन टू और इन सब्स्टिट्यूशन फॉर सच परफॉर्मेंस। पैराग्राफ ए में ये क्लियर कट बताया गया कि अगर किसी बंदे ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो उसको अगर ब्रीच कर दिया गया है, तो वो जो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करेगा, तो उसके पास ये टोटली उसकी मर्जी पे है। इट्स ओनली अप टू हिम कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ इन एडिशन टू कंपनसेशन भी क्लेम करे, या इन सब्स्टिट्यूशन फॉर परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस की बजाय वो कंपनसेशन क्लेम करे। सो ये सारा इख्तियार, ये सारी मर्जी उस प्लेंटिव की है, उस बंदे की होगी जिसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया गया। पहले पैराग्राफ में ये बात क्लियर कर दी गई है। अब आगे पैराग्राफ 2 और 3 में डिफरेंट सिनेरियोज बताए गए हैं जिनमें कोर्ट कंपनसेशन अवार्ड करेगी। सो पैराग्राफ 2, इफ एनी सच सूट द कोर्ट डिसाइड्स दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑट नॉट टू बी ग्रांटेड। कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया गया है, उसमें जो परफॉर्मेंस है वो नहीं ग्रांट की जा सकती, बट दैट देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज विच हैज़ बिन ब्रोकन बाई द डिफेंडेंट। लेकिन कोर्ट इस नतीजे पर साथ साथ पहुँच जाती है कि पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट तो है, जिसकी ब्रीच तो डिफेंडेंट ने की है, एंड दैट द प्लेंटिफ इज एंटाइटल फॉर टू द कंपनसेशन फॉर दैट ब्रीच, इट शेल अवार्ड हिम कंपनसेशन अकॉर्डिंगली। दूसरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो सूट फाइल किया गया था, उसमें कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवार्ड नहीं करनी, बट ये प्रूव हो गया है कि बिटवीन द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि जिसको ब्रीच किया है डिफेंडेंट ने, और तो इस सूरत में कोर्ट के पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी बजाय इसके कि वो उसको प्लेंटिफ को कंपनसेशन अवार्ड करे। यहाँ पे वर्ड शेल का यूज़ किया गया है कि कोर्ट ने तो इस सूरत में कंपनसेशन अवार्ड करनी ही करनी है। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो एक एग्जांपल दी गई है, एलस्ट्रेशन दी गई है, वो कहती है अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 100 mounds ऑफ राइस टू बी। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी को वो 100 mon जो है वो चावल देगा। बी ब्रिंग्स अ सूट टू कंपेल ए टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट और टू पे कंपनसेशन। तो बी ने सूट फाइल कर दिया कि अगर उसने ब्रीच कर दिया, वो उसको नहीं दे रहा राइस 100 mon, तो फिर वो जो सूट फाइल करेगा कर सकता है, जिसमें वो उसने ये क्लेम कर दिया कि जी मुझे इसकी परफॉर्मेंस करवाई जाए या कंपनसेशन दिलवाई जाए, क्योंकि इलस्ट्रेशन में और का वर्ड यूज़ किया है। द कोर्ट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट ए हैज़ मेड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड हैज़ ब्रोकन इट विदाउट एक्सक्यूज़। ए अब इस नतीजे पर पहुँच गई है कि कॉन्ट्रैक्ट था जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, और उसकी जो ब्रीच है वो बी ने की है, सॉरी ए का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था और उसने उसकी ब्रीच की है टू द इंजरी ऑफ बी, जिससे बी को नुकसान हुआ है। बट दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंट इज़ नॉट द प्रॉपर रेमेडी, इट शैल अवार्ड टू बी सच कंपनसेशन एज इट डीम जस्ट। तो कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि इसको प्रॉपर रेमेडी ये नहीं है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करवाई जाए, तो कोर्ट उसको कंपनसेशन ज़रूर दिलवाएगी जो उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। सो पैराग्राफ 2 क्लियर कट, इसमें ये है कि अगर तो कोर्ट डिसाइड करती है कि प्रॉपर रेमेडी नहीं है इसकी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो लेकिन यहाँ पे ये प्रूव हो जाए कि कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, तो कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगी सिवाय इसके कि वो उसकी कंपनसेशन अवार्ड करे। ये पैराग्राफ 2 था। नाउ लेट्स सी व्हाट पैराग्राफ 3 सेज। इफ़ एनी सच सूट, जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अगर फाइल किया गया है, द कोर्ट डिसाइड दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑट टू बी ग्रांटेड।
कोर्ट इस नतीजे पे, पहली सूरत में दूसरे पैराग्राफ में था कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवानी, तो तीसरे पैराग्राफ में अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करनी है, करवानी है कोर्ट ने, बट दैट इट इज़ नॉट सफिशेंट टू सेटिस्फाई द जस्टिस ऑफ द केस एंड दैट सम कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑल्सो बी मेड टू द प्लेंटिफ। और कोर्ट साथ साथ इस नतीजे पे पहुंची है जो उसने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट, उससे जो नुकसान हुआ है, तो इंसाफ का तकाजा ये है कि सिर्फ परफॉर्मेंस ना करवाई जाए और इसको कोई कंपनसेशन भी दिलवाई जाए। इट शेल अवॉर्ड हिम सच कंपनसेशन अकॉर्डिंगली। यहाँ पे भी वर्ड आ गया शेल का। जब इस नतीजे पे पहुँच गए हैं कि इसको कंपनसेशन दिलवाई जानी चाहिए, तो कोर्ट उसको कंपनसेशन अवॉर्ड करेगी ही करेगी। अब इसकी जो इलस्ट्रेशन दी गई है वो कहती है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू सेल हिम ए हाउस फॉर रुपीज़ 1000। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपना घर आपको 1000 रुपए के लिए बेच दूंगा। द प्राइस टू बी पेड एंड पोजेशन गिवन ऑन द 1 जनवरी 1877 को उसका प्राइस भी पे कर दी। द प्राइस टू बी पेड, अच्छा 1 जनवरी को उसकी प्राइस भी पे करनी थी और पोजेशन भी दिया जाने था। ए फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ए जिसने घर बेचना था उसने अपनी परफॉर्मेंस नहीं की, वो उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। एंड बी ब्रिंग्स द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन विच इज़ डिसाइडेड इन हिज फेवर ऑन द 1 जनवरी 1878। तो जो सूट उसने फाइल किया बी ने कि उसने कॉन्ट्रैक्ट ए ने ब्रीच कर दिया, मुझे घर बेचना था, मुझे पोजेशन देना था, वो नहीं कर रहा, वो बी की फेवर में हो गया। द डिक्री में बिसाइड्स ऑर्डरिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवार्ड टू बी कंपनसेशन फॉर एनी लॉस विच है ही हैज सस्टेन्ड बाई एज रिफ्यूज़ल। तो यहाँ पे कोर्ट ने उसको सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री नहीं पास की, कोर्ट ने साथ कंपनसेशन भी अवार्ड की कि जो उसको लॉस हुआ है, जो डैमेजेस हुए हैं बी को ए की कॉन्ट्रैक्ट बी ब्रीच करने से। तो पैराग्राफ 3 में क्लियर कट बता दिया है कि जब कोर्ट ने परफॉर्मेंस भी ग्रांट करनी हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी किसी कॉन्ट्रैक्ट की करवानी हो, तो अगर कोर्ट को ये लगे कि ये इनफ नहीं है, इंसाफ ये कहता है कि साथ कंपनसेशन भी अवार्ड की जाए, तो कोर्ट वहाँ पे कंपनसेशन भी देगी। अब इस नेक्स्ट पैराग्राफ, सॉरी, कंपनसेशन अवार्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी असेस्ड इन सच मैनर एज द कोर्ट मे डायरेक्ट। तो ये जो कंपनसेशन है ये कोर्ट ही असेस करवाएगी कि कितनी दिलवाई जानी चाहिए। अब इस पूरे सेक्शन के एंड पे एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूरे इस सेक्शन को सम अप कर देती है। द सर्कमस्टांसेस दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द ज्यूरिसडिक्शन कम्फर्ट बाई दिस सेक्शन। इसका मतलब ये कहा गया, एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि अगर तो जो कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी ब्रीच की गई है उसकी परफॉर्मेंस नहीं करवाई जा सकती किसी भी वजह से, वो इनकेपेबल हो गया कि उसको परफॉर्म अब नहीं करवाया जा सकता, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट बेबस हो जाएगी। कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 19 है कि वो उसको कंपनसेशन दिलवाए, उस प्लेंटिफ को जिसके कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की गई है। यहाँ पे कोर्ट ने बेबस होके नहीं बैठ जाना। अगर दो उसने साथ, यहाँ पे ये बात भी कवर हो जाती है, उसने प्लेंटिफ ने अगर कंपनसेशन क्लेम की है या नहीं की कोर्ट को, क्योंकि पहले पैराग्राफ में है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की एडिशन या सब्सिट्यूशन के तौर पे कर सकता है, ये टोटली उसकी मर्ज़ी। अगर उसने नहीं भी की तो कोर्ट ने ये नहीं देखना कि अब क्या करें कि हम ना तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, ना इसने कंपनसेशन क्लेम किया तो हम इसे दे नहीं सकते। एक्सप्लेनेशन ये कह रही है कि इस सेक्शन के तहत कोर्ट के पास पावर है कि दो उसने क्लेम की है, नहीं की है, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी परफॉर्मेंस हो सकती है या नहीं हो सकती, हर सूरत में कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसको कंपनसेशन दिलवाए। अब इलस्ट्रेशन इसी एक्सप्लेनेशन की भी दी हुई है। ए सूज फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए रेजोल्यूशन पास बाय द डायरेक्टर्स
ऑफ ए पब्लिक कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी थे उसके डायरेक्टर्स ने एक रेजोल्यूशन पास की अंडर विच ही वॉज एंटाइटल टू हैव सर्टेन नंबर्स ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू हिम। उस रेजोल्यूशन में ये पास किया गया था जो ये प्लेंटिव सूट लेके आया है कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, उसको कुछ शेयर्स दिए गए थे उस रेजोल्यूशन के थ्रू एंड फॉर कंपनसेशन फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द रेजोल्यूशन ऑल द शेयर्स हैड बिन अलॉटेड बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट द कोर्ट मे अंडर दिस सेक्शन अवार्ड ए कंपनसेशन फॉर द नॉन परफॉर्मेंस। अब इस एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि जो उसको अवार्ड्स किए गए थे कंपनी के डायरेक्टर्स की तरफ से रेजोल्यूशन के थ्रू जो अलॉट किए गए थे शेयर्स, अब क्या हुआ कि जब उसने सूट फाइल किया उससे पहले ही वो सारे शेयर्स जो हैं वो दूसरों को दे दिए गए थे और इस सूरत में अब परफॉर्मेंस तो करवाई नहीं जा सकती क्योंकि अब कोई शेयर है ही नहीं, सारे अलॉट हो गए हैं किसी दूसरे को। तो यहाँ पे कोर्ट क्या बेबस होके बैठ जाएगी? नहीं, एक्सप्लेनेशन के मुताबिक यहाँ पे कोर्ट बेबस होके नहीं बैठेगी, कोर्ट के पास पावर स्टिल है। दो उसने क्लेम भी नहीं की कंपनसेशन तो चूंकि उसकी परफॉर्मेंस तो हो नहीं सकती तो कोर्ट यहाँ पे उसको कंपनसेशन दिलवाएगी ही दिलवाएगी। सो अगर सम अप करें सेक्शन 19 को, बड़ा सिंपल सा है। पहले पार्ट में जो प्लेंटिफ है जिसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया गया ये इट्स ओनली अप टू हिम कि वो कंपनसेशन क्लेम करे या ना करे, इन एडिशन टू करे या फॉर सब्सटीट्यूशन करे, ये उसकी मर्जी है। दूसरी सूरत दूसरे पैराग्राफ में ये आ जाता है कि अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करनी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो बिटवीन पार्टीज़ था जो ब्रीच भी हुआ है तो कोर्ट वहाँ पर डेफिनेटली उनको उसको कंपनसेशन दिलवाएगी। थर्ड सिचुएशन ये है कि अगर कोर्ट ये भी सोचती है कि हाँ इसकी परफॉर्मेंस इस कॉन्ट्रैक्ट की करवानी चाहिए बट जो ये इनफ नहीं है, जो उसको लॉस हुआ है उसको इंसाफ का तकाजा है मज़ीद उसका उसकी भरपाई करने के लिए उसको कंपनसेशन भी दिलवाई जाए तो कोर्ट कंपनसेशन दिलवाएगी। और लास्टली ये था एक्सप्लेनेशन ने एक्सपेंड कर दिया इस पूरे सेक्शन को कि कंपनसेशन क्लेम की है या नहीं की, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, जो भी सिचुएशन है कोर्ट के पास एक पावर है टू अवॉर्ड कंपनसेशन और कोर्ट हर सूरत में कर सकती है। तो ये था सेक्शन 19। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह।